नमस्कार रेल साथियों, राजभाषा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये जो प्रश्न पत्र लिया हमने, ये वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है और ये 8 सितंबर 8/9/2022 का पेपर है। WCR कोटा डिवीजन का ये पेपर है, जिसमें से ये 10 राजभाषा के हमने प्रश्न लिए हैं। BR क्लासेज राजभाषा की अलग से तैयारी करवाता है और राजभाषा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पेपर में 10% होता है। पेपर का 10% राजभाषा का हिस्सा होती है। यदि 50 प्रश्न होते हैं पेपर में तो 5 राजभाषा के होते हैं, और 100 प्रश्न पेपर में होते हैं तो 10 राजभाषा के प्रश्न होते हैं। यानी कि पेपर का 10% राजभाषा का होता है। राजभाषा एक अलग से तैयारी करवाता है BR क्लासेस। तो BR क्लासेज राजभाषा का अलग से वीडियो देने का मतलब यहाँ पर यही है कि राजभाषा रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं में इसका महत्वपूर्ण योगदान है और ये पेपर का 10% आती है। चाहे आप मैकेनिकल में JEE का एग्जाम दे रहे हो, AWM का दे रहे हो, ग्रुप बी अधिकारी का दे रहे हो, JEE रैंकर का दे रहे हो, मैकेनिकल की कोई भी एग्जाम हो, या आप नॉन टेक्निकल में आप चाहे वेलफेयर इंस्पेक्टर का दे रहे हैं, सीनियर क्लर्क का दे रहे हैं, जूनियर क्लर्क का दे रहे हैं, या APO साहब का दे रहे हैं, जो भी आप देते हैं, ग्रुप बी अधिकारी का देते हैं, उन सब में राजभाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए, हम यहाँ ये जो पेपर लिया है वेलफेयर इंस्पेक्टर का, ये पेपर है ये वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है और ये कंडक्ट हुआ था 8/9/2022 को कंडक्ट हुआ था। और ये WCR का पेपर है, कोटा डिवीजन का है, कोटा डिवीजन का है, आपके WCR डिवीजन का है, जोन का है, WCR जोन का है और कोटा डिवीजन है। तो चलिए यहाँ पहला प्रश्न ले लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य क्षय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो आपका महाराष्ट्र है ये क्षय क्षेत्र में आता है, पंजाब भी क्षय क्षेत्र में आता है और गुजरात भी क्षय क्षेत्र में आता है। ये जो हिमाचल प्रदेश है ये क्षय क्षेत्र में आता है, ये क्षय क्षेत्र में आता है। और ये जो 3 राज्य हैं आपके, ये 3 जो राज्य हैं ये आपके क्षय क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, हिमाचल प्रदेश। साथियों, क्षय क्षेत्र की मैंने एक ट्रिक बता रखी है, उसमें ये 6 3 संघ शासित प्रदेश और 3 राज्य क्षय क्षेत्र में आते हैं। इसकी ट्रिक है पंगु, चंद्र, मदान। पंगु, चंद्र, मदान, इसकी ट्रिक है। पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़, चंद्र से यहाँ चंडीगढ़ हो जाएगा, पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़, और मैं से महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली और दमन दीव समूह। तो यहाँ पे चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव समूह ये संघ शासित हो जाएंगे, और पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र 3 ये आपके राज्य हो जाएंगे। तो 3 और 3 6 जो है, 3 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश हैं ये क्षय क्षेत्र में आ जाएंगे। इसके अलावा हम क की बात करें तो क के अंतर्गत 9 राज्य और 2 संघ शासित, 9 राज्य और 2 संघ शासित यानी 11 आते हैं टोटल। 2 में आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली, ये 2 संघ शासित प्रदेश हैं। और 9 में आपके हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, MP, BR, उत्तराखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, ये सब आपके कैम में आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, MP, BR, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तरांचल, ये आपके कई क्षेत्र में आ जाते हैं। और कई क्षेत्र में आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और
दिल्ली संघ शासित, दो ये आपके इसमें होते हैं, तो 9 और 2 ये 11 इसमें आते हैं, तो 11 क में आ जाते हैं और 6 आपके ख में आ जाते हैं। तो ये 17 के अलावा जितने भी हैं, तमिलनाडु को छोड़ करके 17 के अलावा जितने भी हैं उसी क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ आंसर आपका डी ऑप्शन था, तो डी ऑप्शन हमने यहाँ ले लिया है। अच्छा प्रश्न नंबर 102 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये जो 344 है इसके अनुसार यहाँ लोकसभा के 20 होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं, तो ये दोनों मिला के 30 हो जाते हैं, दोनों मिला के 30 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने ओनली लोकसभा के पूछे हैं, तो लोकसभा के आपके 20 हो जाएंगे। ऑप्शन बी आंसर यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, प्रश्न नंबर जो 103 है उनमें कौन सा दस्तावेज राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3 के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये टोटल 14 दस्तावेज होते हैं जो कि आपके अंग्रेजी, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होते हैं। ये जो अधिनियम धारा धारा है, ये जो अधिनियम धारा धारा 3 है, इसके अनुसार टोटल 14 दस्तावेज होते हैं और ये दस्तावेज हैं जो दोनों 14 भाषाओं में होना, मैं दो दो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना जरूरी है। 14 14 में आपके अधिसूचना है, निविदा है, सूचना है, और इसके अलावा संकल्प है, सामान्य आदेश है, नियम है, अधिसूचनाएं हैं, करार है, परमिट है, निविदा सूचना और उसके प्रारूप हैं, संविदाएं हैं, अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र है, आरक्षण चार्ट है, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट हैं, प्रेस विज्ञप्तियां हैं, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी गई प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट और सरकारी कागज पत्र हैं। तो इस प्रकार से ये जो उपरोक्त जो मैंने आपको कागजात बताए अभी, ये सभी कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने चाहिए, और इन जो कागजों इन जो दो भाषाओं में जो इनकी जिम्मेदारी होती है द्विभाषी में जारी करने की, वो जिम्मेदारी हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की होती है। तो जो राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3 है उसके अनुसार ये 14 कागज है जो हिंदी भाषाओं में और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना चाहिए, तो उनमें ये अधिसूचना भी आती है दस्तावेजों में, निविदा भी आती है, सूचना भी आती है, तो यहाँ जो निमंत्रण है ये आपके 14 दस्तावेजों में ये है नहीं आते हैं, ये नहीं आते हैं निमंत्रण। यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ ये प्रश्न था अपना, कौन सा दस्तावेज राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3 के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ अधिसूचना है आता है, निविदा आता है, सूचना आती है, निमंत्रण यहाँ नहीं आता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 104 है, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो यहाँ मैं आपको तीनों ही राशि बता देता हूँ। जो फर्स्ट राशि है वो 10,000 रुपये है, और सेकंड जो राशि है वो 8,000 रुपये है, और थर्ड जो राशि है वो 6,000 रुपये है, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत। तो यहाँ अपन को सबसे जो पहली राशि है, प्रथम राशि है, वो पूछी गई है, तो ये पहली राशि अपनी 10,000 रुपये यहाँ करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 105 है, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है? तो जो अपना केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है।
तो आपका जो आंसर है यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, प्रवीण की हिंदी योग्यता क्या है? तो यहाँ अपने जो पाठ्यक्रम है वो तीन होते हैं, ये आप सभी जानते होंगे, प्रबोध है, प्रवीण है और प्राग या पारंगत है। प्राग और पारंगत एक ही होता है। तो यहाँ जो ये प्रबोध है ये 1 से 5 तक का यानी कि प्राइमरी लेवल का होता है। प्रवीण है जो आपके 5 से यानी छठी से 8 तक का होता है, तो ये मिडिल लेवल का होता है यानी मिडिल लेवल का होता है, और ये 8 से 10 लेवल का होता है यानी ये सेकेंडरी लेवल का होता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था प्रवीण की हिंदी योग्यता क्या है, तो प्रवीण के लिए अपन 8वीं ले लेंगे, 8वीं के समकक्ष ले लेंगे। तो यहाँ ऑप्शन प्रवीण, यहाँ प्रवीण है तो प्रवीण के लिए यहाँ अपन 8वीं के समकक्ष ले लेंगे, ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रबोध के बारे में मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, प्रबोध अपना प्रारंभिक पाठ्यक्रम है और ये प्राइमरी लेवल का है, और इसका कार्य दिवस 25 डेज का होता है, और प्रवीण है जो 5 से 8 तक का होता है, मिडिल लेवल का होता है, और इसका जो कार्य दिवस है वो 20 दिन का होता है, और जो प्राज्ञ है ये आपके सेकेंडरी लेवल का होता है, इसका जो कार्य दिवस है वो 15 दिन का होता है, और ये प्राग और पारंगत एक ही है, इनको एक ही जगह लिया गया। इसलिए कभी भी जब भी पूछा जाता है कि कितने पाठ्यक्रम हैं, तो ये तीन पाठ्यक्रम हैं, प्रबोध, प्रवीण और प्राग। इनकी जो एग्जाम होती है वो साल में 2 बार होती है, मई और नवंबर में होती है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, साल में 2 बार इनकी परीक्षाएं होती हैं, मई और नवंबर में होती है, और ये तीन पाठ्यक्रम हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, प्रबोध, प्रवीण, प्राग और पारंगत। तो चलिए यहाँ पे आपका आंसर है जो ऑप्शन ए यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और ये 2006 से हम इसको रेगुलर मनाते आ रहे हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट दिवस है जो यहाँ पूछा जाता है, वो 14 सितंबर का है, 14 सितंबर को कौन सा, तो ये हिंदी दिवस मनाते हैं हम, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, तो ये 1953 से हम रेगुलर मनाते आ रहे हैं, और ये जो 10 जनवरी है ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, इसको हम 2006 से रेगुलर मनाते आ रहे हैं। अब यहाँ ये देखने वाली बात है साथियों कि राजभाषा के अंतर्गत ये शुद्धता के 3 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में अलग से डाले गए हैं। शुद्ध रूप के लिए पूछ रहा है, शुद्ध रूप पहचाने कौन सा है, तो अतिथि का शुद्ध रूप यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, अतिथि को शुद्ध रूप में अपन इस तरह से लिखते हैं, अतिथि, यहाँ ये शुद्ध रूप हो जाएगा अतिथि। उसके बाद शुद्ध रूप पहचाने नैसर्गिक के लिए, तो यहाँ नैसर्गिक नैसर्गिक नैसर्गिक, यहाँ जो ऑप्शन ए है जिसको अपन इस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ शुद्ध रूप इसका ये हो जाएगा। और जो 110 है शुद्ध रूप पूछने स्मृति, तो स्मृति का जो बिल्कुल शुद्ध रूप है वो है स्मृति। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था साथियों राजभाषा का वीडियो, जैसा कि आप जानते हैं राजभाषा का वीडियो बिहार क्लासेज अलग से बनाती है, इसलिए हम, और ये जो इस वीडियो में किसी न किसी प्रश्न पत्र के 10 प्रश्न होते हैं, तो यहाँ भी अपन ने 10 प्रश्न है जो अभी लेटेस्ट आयोजित 8 सितंबर 2022 का पेपर है, वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है, उसमें से ये 10 प्रश्न लिए गए हैं, WCR कोटा का है। तो चलिए साथियों ये था राजभाषा का वीडियो, हम जल्दी ही मिलेंगे वेलफेयर इंस्पेक्टर के वीडियो में, और उसमें यही पेपर होगा जिसमें हम 1 से 100 तक प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए दीजिए आज्ञा, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय रेलवे।